हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सीडी लर्निंग पॉइंट। आज मैं आप लोगों के लिए कॉमर्स का एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स लेकर आई हूं, जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आखिर क्या होता है? डेप्रिसिएशन को जानने के लिए हमें जानना जरूरी होता है कि असेट्स दो तरह का होता है, एक टेंजिबल असेट्स और एक इनटेंजिबल असेट्स। तो जो डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करते हैं वो हम लोग टेंजिबल असेट्स पे चार्ज करते हैं, इनटेंजिबल असेट्स पे डेप्रिसिएशन नहीं होता। तो एक्चुअल में टेंजिबल असेट्स में क्या आता है? डेप्रिसिएशन। आज मैं आपको इस इम्पॉर्टेंट टर्म के बारे में बताऊंगी। जैसे कि आपका टेंजिबल असेट्स हो जाता है प्लांट एंड मशीनरी, उसके बाद आपका हो जाता है फर्नीचर, उसके बाद आपका हो जाता है कोई भी व्हीकल। तो एक्चुअल में हम लोग टेंजिबल असेट्स किसको बोलते हैं? ऐसे असेट्स जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं, ऐसे असेट्स को हम लोग टेंजिबल असेट्स बोलते हैं। और इन सारे असेट्स पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। इसका रीज़न क्या है कि जब हम ऐसे असेट्स को परचेज करते हैं, मान लीजिए आप लोग प्लांट एंड मशीनरी परचेज करते हैं, अभी उसका वैल्यू 1 लाख रुपीज़ है। अगर हम लोग किसी प्लांट एंड मशीनरी को 1 लाख रुपये में खरीद रहे हैं तो आफ्टर हम लोग इसे, ये नहीं होता है कि हम लोग 1 साल के लिए ही इसे यूज़ करते हैं, इसको हम लोग 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, मतलब एक लॉन्ग पीरियड के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसको जब हम लोग लॉन्ग पीरियड के लिए यूज़ करते हैं तो इसका वैल्यू धीरे धीरे घटता है। मीन्स आफ्टर लॉन्ग टाइम, मान लीजिए आफ्टर 5 ईयर्स के बाद इसका जो वैल्यू रहता है वो 1 लाख नहीं रहता, बल्कि वो या तो 80,000 रहेगा या 20,000 रहेगा, ऐसे रहेगा। तो मतलब इसके वैल्यू जो होता है धीरे धीरे घटता जाता है। उसी तरह अगर हम लोग फर्नीचर खरीदते हैं, मान लीजिए 10,000 रुपीज़ में, अब अगर हम लोग इस फर्नीचर को 10,000 रुपीज़ में आज खरीद रहे हैं तो हो सकता है 5 साल के बाद इस फर्नीचर को हम लोग 2,000 रुपीज़ में सेल कर दें। मीन्स इसका वैल्यू धीरे धीरे घटता है, क्योंकि इसे हम लोग रेगुलर यूज़ करते हैं। तो इस टाइप के असेट्स में जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस सारे इन्वेस्टमेंट को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो वैसे एक्सपेंडिचर जिसे हम लोग ईयरली करते हैं, डे टू डे करते हैं, दैट टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर नॉन एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट ऐसे एक्सपेंडिचर जिसको हम लोग आज कर रहे हैं लेकिन उसका बेनिफिट हम लोग फ्यूचर में फॉर ए लॉन्ग पीरियड यूज़ कर रहे हैं, उठा रहे हैं, 5 साल 10 साल के लिए अगर हम लोग उसका बेनिफिट उठा रहे हैं तो उस टाइप के एक्सपेंडिचर को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं। तो एक्चुअल में हम आपको इस टर्म से क्यों रिलेट कर रहे हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, क्योंकि हम लोग जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हम लोग 1 ईयर का ट्रांजैक्शन लिखते हैं। मींस हम लोग अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कभी भी इस एक्सपेंडिचर को नहीं लिखते हैं जो हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, उसमें हम लोग रिवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखते हैं। तो एक्चुअल में रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? तो ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसमें हम लोग का क्या होता है कि जब हम लोग डे टू डे यूज़ करते हैं तो इसका वैल्यू जो गिरता है, तो ये जो वैल्यू गिरता है मतलब इसमें जो सडन टियर होता है, लॉस होता है, ये सब हमारा डेप्रिसिएशन में आता है। तो एक्चुअली मान लीजिए अगर ये 1 लाख का हम लोग मशीनरी लिए हैं और इसे हम लोग 10 ईयर्स के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग इसे 1 लाख को जब हम लोग 10 ईयर से डिवाइड करते हैं देन वी विल गेट ₹10,000। तो हम लोग इस 10,000 को हर ईयर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में चार्ज कर सकते हैं। अदरवाइज एक्चुअल मेथड क्या होता है डेप्रिसिएशन चार्ज करने का, कि आपका जैसे कि मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ में, जैसे मैंने यह फर्नीचर में आपको बताया कि 10 लाख का मैंने फर्नीचर परचेस किया और आफ्टर 5 ईयर्स इट्स वैल्यू बिकम 2,000, मीन्स 5 साल के बाद इस फर्नीचर का वैल्यू 2,000 हो रहा है, तो दिस वैल्यू इज कॉल्ड स्क्रैप वैल्यू। तो हम लोग डेप्रिसिएशन जो चार्ज करेंगे वो हमारा डेप्रिसिएशन आएगा
एक्चुअल वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ दिस एसेट्स, जिसे मैंने आपको 5 years बोला। तो अब हमारा एक्चुअल वैल्यू ये है 10,000, उसमें से हम लोग स्क्रैप वैल्यू 2,000 लेस करते हैं एंड डिवाइड करते हैं 5 से, तो हम लोग को मिलता है 8,000 डिवाइडेड बाय 5 मीन्स ये जो 1600 रुपीस आ रहा है दैट विल बी द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। और हम लोग हर साल ये 1600 वैल्यू डेप्रिसिएशन में शो करेंगे। फिर भी इस तरीके से अगर हमारे पास एक्चुअल वैल्यू ऑफ असेट्स दिया हुआ है और स्क्रैप वैल्यू और एस्टिमेटेड लाइफ दिया हुआ है, तो दीज आर द मेथड फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। लेकिन डेप्रिसिएशन के लिए अगर हमें ये टर्म नहीं दिया हुआ है तो हम लोग दो तरह से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, एक होता है आपका फिक्स्ड मेथड और एक होता है डिमिनिशिंग मेथड। तो डिमिनिशिंग मेथड जो होता है उसको हम लोग रिटेंड ऑन वैल्यू भी मेथड भी बोलते हैं। तो डेप्रिसिएशन जनरली हम लोग दो मेथड से चार्ज करते हैं, एक होता है आपका फिक्स्ड मेथड, और सेकेंड जो होता है वो आपका रिटेंड ऑन वैल्यू मेथड बोलते हैं। अब इसको हम लोग डिमिनिशिंग मेथड के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग इसे किस तरह कैलकुलेट करते हैं मैं आज आपको ये बताऊंगी। फिक्स मेथड में क्या होता है कि जैसे आपको दे दिया गया कि प्लांट एंड मशीनरी जो है, प्लांट एंड मशीनरी जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 lakh में हम लोग परचेज किए हैं और इसमें 10% का डेप्रिसिएशन ईच ईयर लगता है, तो मीन्स हम लोग जो डेप्रिसिएशन निकालेंगे दैट विल बी द 10% ऑफ 1 lakh, मीन्स ये हमारा 10/100 ऑफ का आप लोग स्कूल लाइफ में पढ़ चुके हैं वैल्यू मल्टीप्लिकेशन होता है, और इस तरह से हम जब निकालते हैं तो ₹10,000 ईच ईयर हम लोग डेप्रिसिएशन में चार्ज करते हैं। दिस टाइप ऑफ मेथड इज कॉल्ड फिक्स्ड मेथड। और डिमिनिशिंग मेथड क्या होता है कि जब हम लोग फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो ये हुआ, अब जो सेकेंड ईयर में जब हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो जो असेट्स का वैल्यू हो है वो 10,000 से घट जाएगा, मीन्स 1 lakh माइनस 10,000 जब हम लोग करते हैं then we will get ₹90,000। तो next year जो हमारा depreciation निकलेगा 10% वो हम लोग 90,000 पे निकालेंगे। तो second year जो हमारा depreciation जब इस assets पे होगा तो 90,000 का हम लोग 10% चार्ज करेंगे, तो ये हमारा ₹9,000 सो होगा। अब अगेन जब हम लोग third year करेंगे then we will subtract 9,000 from 90,000 और हम लोग 81,000 पे कैलकुलेट करेंगे। तो डिमिनिशिंग मेथड जो होता है वो हमें बताता है डेप्रिसिएशन के बारे में कि हम लोग का जो असेट्स का वैल्यू धीरे धीरे घटता जाता है तो हम उस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। लेकिन जो फिक्स मेथड होता है उसमें हम लोग का जो स्टार्टिंग में वैल्यू ऑफ असेट्स होता है उस पे जो रेट दिया रहता है उस रेट से हम लोग चार्ज करते हैं, उसी को हम लोग आगे की ओर शो करते हैं। तो आशा है अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग डेप्रिसिएशन असेट्स पे किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो इससे रिलेटेड आगे मैं कुछ और क्वेश्चंस लेकर आऊँगी और न्यू टर्म्स लेकर आऊँगी। तो मेरे वीडियो से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।